नमस्कार, मेरा नाम सलाट अर्जुन कुमार किशोर भाई है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा गांव का नाम दाहोद है। मैं 21 मार्च को इधर गोवा आया था फैमिली के साथ। 24 तारीख को मेरा रिटर्न फ्लाइट था जो कि कैंसिल हो चुका। उसके बाद 16 तारीख तक लॉकडाउन था। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने 16 तारीख को लॉकडाउन तक रखा था। हमारा 16 तारीख का रिटर्न और फ्लाइट बुकिंग कराया। 16 तारीख तक हम रुके। उसके पहले भी हम यहाँ कलेक्टर साहब के लिए आए थे। आना जाना सर हमको बहुत महंगा पड़ता है। जो ऑलरेडी घर से खर्च करने के लिए पैसे ले आए थे वो भी हमारे पास टोटली खत्म हो चुका है। हम दोस्त यार के पास से थोड़ा बहुत हेल्प मांग के चला लेते। यहाँ पे मैं 4 बार आ चुका हूँ, ना ही मेरे को यहाँ से कोई प्रावधान मिला, ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला कि आप हमको भेज रहे हैं। कोई इधर बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ऊपर भी गया, उधर जाओ आप, उधर के बाद 5 नंबर पे जाओ, 5 नंबर से 2 नंबर पे जाओ। किसी ने हमको ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका भी कोई अप्रूवल आया नहीं। मेरे पास सारे प्रूफ है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। आधार कार्ड का अपना नंबर डालो, वो नंबर भी इसके अंदर सही डाल रहा हूँ तो भी रॉन्ग आ रहा है। वो आधार कार्ड वापिस सही आ रहा है तो दूसरा कोई पासवर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। अब ये लोग भेज रहे हैं नहीं भेज रहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हम बहुत ही गंदी हालत में फंसे हुए हैं। ठीक है, होटल वाला भी हमसे बहुत चार्ज कर रहा है। तो हम अभी देखते हैं, अभी नहीं होगा तो हमको एक ही रास्ता है, चल के जाना है। या तो हम चार जने किसी एक को यहाँ गोवा के अंदर मरना पड़ेगा। इतनी बेकार हालत हो गई हमारी। कितने दिन से होंगे हम इधर? 21 मार्च से है। हॉलीडे पे आए थे क्या? जी, हम घूमने के लिए आए थे और हमको इस बात का लॉकडाउन का जरा भी ख्याल नहीं था, अनुमान था नहीं कि लॉकडाउन हो जाएगा। एक ही बात हमको मालूम था, जनता कर्फ्यू का। ठीक है, जनता कर्फ्यू का हमने पालन भी किया है, नहीं किया था नहीं, एक दिन उधर रुके भी है। फिर हमने हमारे एजेंट को कॉल किया है, एजेंट को कॉल करा, बोले कि आपको 2 दिन के बाद यहाँ से निकालेंगे। यहाँ इधर आए, इधर के ऑनलाइन फॉर्म भरा हमने, ऑनलाइन फॉर्म का भी हमारे पे कुछ उसका मैसेज आया नहीं है। आपको आपकी चीफ मिनिस्टर के पास क्या अनुमति है, क्या रिक्वेस्ट है? उनको हमारे हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि हमको यहाँ से निकाले, हमारे चीफ मिनिस्टर भी और गोवा के भी चीफ मिनिस्टर जो है उनसे भी हमारी माने बहुत रिक्वेस्ट है कि अभी हम बहुत बहुत गंदी तरह फंस गए, हमारी हेल्प कीजिए सर प्लीज। भाई मुझे बोलना, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली सर, कुछ भी नहीं मिला है। हम इधर आए 2 बार, चौथी बार इधर आया हूँ। ये भाई को लेके हमारा टैक्सी है, हमको एयरपोर्ट से फर्स्ट टाइम लेने के लिए आया था, उसको मैं नंबर एक था सेव कर लिया। तो वो भाई सब थोड़ी बहुत हेल्प करता आना जाने ले जाने के लिए। हेल्पलाइन नंबर भी दिए ना गवर्नमेंट जी, बहुत इधर गोवा मैडम जो कलेक्टर है उनके पीए का नंबर है मेरे पास। मैंने सर 300 कॉल की है, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अब मेरा कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहे। इधर से कोई हेल्प नहीं है? इधर से कोई गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिला मेरे को। नहीं कुछ घुमाते जी, इधर घुमाते आगे पीछे घुमाते। फैमिली फैमिली उधर फंसा हुआ है। अब हम मैं, मेरी वाइफ है, मेरा बड़ा भाई, उसकी वाइफ है। अब दो इधर आ जाए तो उधर फैमिली के साथ कौन रहेगा, इसलिए उसको उधर रुका के आया। मैं भाई के साथ आया हूँ उनके बाइक पे। ठीक है, आना जाना सर बहुत महंगा पड़ता है। आज आप ऑफिस में थे? आज जी ऑफिस में आया हुआ हूँ, सुबह से ऑफिस में आया हुआ हूँ। अभी तक मेरे को कोई अप्रूवल मिला नहीं। कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके साथ तो बिठाएंगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास आया नहीं है। हमको सुबह से उधर ही बैठा था, अभी भूख लगा था सर, मैं नाश्ता करने गया था, कहीं निकल ना जाए कलेक्टर, इसलिए फटाफट जाके वापस आ जाएगा। सुबह से इधर बैठा था, अभी तक कोई किसी ने हमारी बात नहीं सुन रहा, कुछ भी नहीं कर रहे थे।